हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलसबाज फूड मैजिक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफ़गानी खीमा की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में वाटर ले लिया है। इसमें मैंने 1 ग्लास वाटर ऐड किया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें मैं वॉश्ड खीमा ऐड कर रही हूँ। ये 250 ग्राम्स खीमा है, इसे मैंने वॉश कर लिया था। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। खीमे को हमें बॉईल कर लेना है मिनिमम 5 मिनट्स के लिए। इसे हम कवर करके लो फ्लेम पर बॉईल करने रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे बॉईल कर देंगे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया। खीमे अच्छे से बॉईल हो चुका था। इसे हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में। इसके बाद हमें इसे इसी पैन में ऑयल ऐड कर देना है। स्लाइस्ड अनियन ऐड करेंगे। ये 1 मीडियम साइज अनियन मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें 4 से 5 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। कोरिएंडर ऐड करेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अनियन सॉफ्ट होने तक हम इसे सॉटे कर लेंगे ऑयल में। अनियन को हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसके इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है। देखिए, स्मूथ पेस्ट बना लिया है मैंने। इसके बाद हम इसमें पैन में ऑयल ऐड कर देंगे। बटर ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें वो पेस्ट ऐड कर लेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे मिक्स कर लेना है इसे, और लो फ्लेम पर हम इसे कवर करके मिनिमम 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर देंगे, इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने तक। ये देखिए, 2 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है। ऑयल सेपरेट हो रहा है इसमें से। इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसके बाद हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे। कर्ड मैं यहाँ पे 1/2 कप ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको। कर्ड मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके फिर से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें बॉयल कीमा ऐड कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट। कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर में यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज में यहाँ पे बीच में से कट करके ऐड कर रही हूँ। इसे कवर करके हमें फिर से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि कीमा जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है। कीमा अच्छे से रेडी हो चुका है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे फिर से फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें कीमा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ईजी एंड वेरी फास्ट रेसिपी है ये। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती है। आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताइएगा। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।